तो इस वीडियो में मैं यहाँ पे जे एडवांस 2021 पेपर टू को डिस्कस करने जा रहा हूँ तो लेट अस टेक द क्वेश्चन नंबर वन इन क्वेश्चन नंबर वन द क्वेश्चन इज वन एंड ऑफ ए हॉर्जेंटल यूनिफॉर्म बीम ऑफ वेट डब्ल्यू एंड लेंथ एल इज हिंसड ऑन ए वर्टिकल वॉल एट पॉइंट ओ एंड इट्स अदर एंड इज सपोर्टेड बाई अ लाइट इनसेबल रोप द अदर एंड ऑफ द रोप इज फिक्स एट द पॉइंट क्यू लाइक दिस एट ए हाइट एल अब दिंज एट अ पॉइंट ओ A block of weight alpha w is attached at the point P of the beam, like this. As shown in the figure, not to scale, the rope can sustain a maximum tension of this much. Which of the following statements is are correct? So this question is based on rotational equilibrium using torque equation and uh, equilibrium equations, rotational and translational equilibrium equations. Okay. So to solve this type of situation, like uh, द क्वेश्चन है क्वेश्चन में जो पूछे गए हैं ऑप्शन वर्टिकल कम्पोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स हेयर हॉजोनटल कम्पोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स हेयर सो ओवियसली वी हैव टू मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस एंड फॉर फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहाँ पर इस रॉड को या बीम को ले रहा हूँ और उसके साथ में इतनी स्ट्रिंग यहाँ पर और इतनी स्ट्रिंग यहाँ पर ले रहा हूँ ठीक है या फिर मैं इसको भी साथ में ले सकता था तो सिस्टम में निकली भी है मतलब ये जो बीच में यहाँ पर यह स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग में टेंशन इज इक्वल टू वेट ऑफ दिस ब्लॉक सो दिस इज द टेंशन सो रेड से मैंने स्ट्रिंग को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया और स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो रही है यहाँ पर टेंशन टी और यहाँ पेट्स ए टेंशन अल्फा होमेगा इक्वल टू द गेट ऑफ द ब्लॉक दिस दिस इज़ पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट यूनिफॉर्म बीम एंड दिस आर द रिएक्शंस सो अब यहाँ पर एक एक करके ऑप्शन ऑप्शन के अकॉर्डिंगली वी हैव टू मूव ओके सो ऑप्शन फर्स्ट इज सेंग द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एटो वो डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फ़ा सो फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट दी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स सो यहाँ पे कई सारे वेरिएबल्स हैं तो इसमें ऐसा ट्राई करेंगे कि ऐसी इक्वेसन लिखी जाए जिससे कि ईजली वी कैन कैलकुलेट आर वाई तो अगर थोड़ा सा इसमें अनालिसिस करके देखें तो हम चाहते हैं कि बाकी पॉइंट्स बाकी जो फोर्सेज हैं उनका टॉर्च जीरो हो, हो जाए यानी कि बाकी के फोर्सेज जो अन नोन फोर्सेज हैं दैट इज़ आर एक्स एंड टी एंड इफ यू सी आर एक्स इज़ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट पी एंड टी इज़ ऑल्सो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट पी तो पॉइंट पी के अबाउट अगर मैं टॉर्क की क्वेश्चन लिखता हूँ तो उस केस में इनका टॉर्क जीरो हो जाएगा टेंशन और आर एक्स का टॉर्क विल भी जीरो सो ऑनली टॉर्क विल बी ड्यू टू दिस आर वाई डब्ल्यू एंड डब्ल्यू सो टॉर्क ऑफ दिस आर वाई अबाउट दिस पॉइंट पी सो ड्रॉप द परपेंटिकुलर परपेंटिकुलर डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू एल सो दिस इज आर वाई एल एंड दिस टॉर्क विल भी इन द क्लॉक वाइज सेंस एंड दिस क्लॉक वाइज टॉर्क विल भी बैलेंस्ड बाई दिस डब्ल्यू And this uh, distance will be L by two, so RY is W by two, and uh, this is independent of alpha. There is no ex expression of alpha in this. There is no term of alpha in this. So uh, option A is correct here. Okay. The horizontal component of reaction. Now we have to find the horizontal component of reaction force. So for horizontal component, how can we calculate horizontal component uh, without any other thing? So now RY we have calculated all already.

इसका और इसका टॉर्स तो जीरो हो जाएगा सॉरी इसका और आर वाई का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा डब्ल्यू और अल्फा डब्ल्यू का टॉर्क आएगा सो दिस इज़ डब्ल्यू एंड दैट डब्ल्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हेयर विल बी इक्वल टू एल बाई टू सो डब्ल्यू एल बाई टू एंड फॉर दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू वेल्व ऑन दिस लाइन ऑफ एक्शन एल परपेंडिकुलर डिस्टेंस सो आर एक्स फ्रॉम हियर विल बी इक्वल टू दिस एंड इट इज़ इन टर्म्स ऑफ अल्फा सो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन अल्फा

तो आर एक्स इज इक्वल टू टी इज़ कम्पोनेंट एंड कंपोनेंट ऑफ टी विल बी टूअवर्ड्स लेफ्ट सो दिस लेफ्ट एंड दिस राइट आर बैलेंसिंग इच अदर सो आर एक्स इज टी बाई रूट टू और उससे आप देख सकते हो कि टी विल भी लाइक दिस आर एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हैव कैलकुलेटेड सो दैट वैल्यू हाई पुट हियर सो दिस इज़ द टेंशन एंड अगर मैं इसमें अल्फा की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट करने के बाद में हाफ हाफ दिस इज़ वन सो दिस इज़ रूट टू डब्ल्यू बट इट इज़ सेंग दिस इज़ टू डब्ल्यू सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट हियर and for option d option d says the rope breaks for this much so rope will break when tension crosses its uh, breaking limit so for breaking the tension required is 2 root 2 omega and this is tension in terms of alpha 2 root 2 w so this is root 2 w alpha plus half and we can find alpha from this equation so alpha is equal to 3 by 2 ke liye Yaha pe टेंशन जो है वो इसके बराबर हो जाएगी और ये टूट जाएगा तो अल्फा ग्रेटर देन के लिए भी होगा क्योंकि अल्फ़ा जो है अगर और ज़्यादा होता है तो टेंशन और ज़्यादा बढ़ेगी फिर उस केस में तो स्ट्रिंग विल ब्रेक सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो दिख रहे हैं मुझे वो दिख रहे हैं मेरे को इसमें ए इज़ करेक्ट दिस बी इज़ करेक्ट एंड डी इज़ करेक्ट सी इज़ इन करेक्ट एंड वट इज़ द लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन

सो दिस इज़ अ मॉडरेट और यू कैन सी इजी टू मॉडरेट ओके सो ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने का नहीं है सिम्पल यू हैव टू मेक द फ्री वर्ड डायग्राम एंड यू हैव टू राइट द इक्वेश सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेज ऑन दी वेव्स एंड ऑर्गन पाइप एंड डॉपलर इफेक्ट आर कंबाइंड इन दिस सो वॉट The question says, question says a source approaching with speed u towards the open end of a stationary pipe of length l is emitting a sound of frequency f s. The further end of the pipe is closed. So, it is a closed organ pipe. The speed of sound in air is v and f 0 is the fundamental frequency of the pipe. So, fundamental frequency of the pipe for which of the following combinations of u and f s will the sound reaching the pipe lead to a resonance so again this is multiple choice and again all the options you have to see so let us see how to approach so first uh, what is the condition of resonance resonance will occur when frequency due to source will match with the one of the natural frequencies of the closed organ pipe and what are the uh, natural frequencies so f naught is the fundamental frequency and uh, in closed organ pipe we will have uh, this odd multiple of this fundamental frequency. So, it naught 3 F0, 3F0, 5F0. This is some 2n plus 1 odd multiple of this F0. So, <coughs> uh, uh, natural frequency for this closed organ pipe are like this. And uh, if sound reaching here will have uh, one of these frequencies, then there will be a resonance between these two. So, for resonance let us first find what is the frequency reaching here so what is the frequency reaching here and for that we have to apply the doppler's formula so frequency of sound reaching the pipe uh, this v is the velocity of the sound and this u is the velocity of the source and since it is approaching towards it since it is approaching towards it so uh, there will be a minus in the denominator सो so, यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन यहाँ पे किस तरीके से करनी है ठीक है क्योंकि यहाँ पे u और v इस तरीके के फैक्टर्स दिए हुए हैं fs और f नोट के बीच में इस तरीके के फैक्टर्स दिए हुए हैं तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि fs को मैंने सम m टाइम्स f नोट एज़्यूम कर लिया और जो इसकी वेलोसिटी है उसको सम k टाइम्स v एज्यूम कर लिया जिससे कि मेरे को बार बार ऑप्शनस में अब कैलकुलेशन न करनी पड़े एक ही बार एक्सप्रेशन कैलकुलेट हो जाए उसमें हम सारे ऑप्शन को पुट कर करके कर देख लें तो ये हुआ और दिस इज़ फ्रॉम डॉपलर्स और जो यू है उस यू की जगह मैंने के पुट कर दिया और एफ एस की जगह एम एफ पुट कर दिया सो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी रीचिंग द पाइप और ये जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज एफनोट एंड एफनोट के बगल में जो है ये ऑर्ड इंटीजर होना चाहिए ऑर्ड मल्टीपल ठीक है सो दिस एम अपॉन माइनस के एम अपॉन वन अपॉन माइनस के सॉरी एम अपॉन वन माइनस के दिस शुड बी ऑर्ड तो बस अब मैं मेरे को ये करना होगा कि बस मैं एम और के की वैल्यू यहाँ पर पुट करता रहूँगा इसमें तो एम वट इज़ एम हेयर एम इज़ फ्रिक्वेंसी के लिए और जो यहाँ पर के है वो के यहाँ पर वेलासिटी के लिए तो इन तीनों ऑप्शन में जो के है वो जीरो पॉइंट एट है ए बी सी तीनों ऑप्शन में के जीरो पॉइंट एट तो जीरो पॉइंट एट तो वन माइनस जीरो पॉइंट एट कितना जीरो पॉइंट टू जाएगा तो नाउ जस्ट कैलकुलेशन पार्ट सो इट इज़ एम What is m in the first case? m is 1, fs is equal to 1 f naught. So, 1 divided by 0. 0.2, and this is 5. So, this option I will accept. For b, <coughs> f is equal to f naught. So, this m is equal to 2, and again, this is 0. 0.2. So, it will be 10 now. So, 10 is not a odd multiple. So, for next option, it is 0. 0.5. So, 0. 0.5 is here, and again 0. 0.2. So, it will be 2.5, again, not acceptable. And for d, d it is 1.5 so it is 1.5 and it is 0 0.5 it is 0 it is 1 minus 0 0.5 it will become 0 0.5 so it is now 3 okay and 3 is acceptable so the two options a and d are correct for this question so moving to the next question next question is uh, the previous question how i read this question again this question is uh, not so very tough so again it is for me i can write it moderate but uh, it is easy to moderate category. <coughs> so, this question, this question is based on prism and uh, this is slightly good question. <coughs> so let us see what this question says. For a prism of prism angle theta is equal to sixty degree. So this angle is sixty degree. The refractive indices of the left half. So this is the half portion, okay? And the right half. This is again half, respectively n one and n two. So n two is greater than or equal to n one as on the figure.

फॉर अन इक्वल रिफ्रेटमेंट डिस एन वन को तो आप एन के बराबर ले लो जो एन वन पॉइंट फाइव है लेकिन एन टू जो है वो स्लाइटली ज्यादा है एन टू इज इक्वल टू एन प्लस डेल्टा एन एंड दिस डेल्टा एन इज मच मच लेस दिन द एंगल ऑफ इमरजेंस विल नाउ स्लाइटली चेंजेस ओके सो एंगल ऑफ इमरजेंस अदरवाइज तो जैसे अगर ये सिचुएशन होती है तो मिनिमम डिविजन के लिए क्या होता है मिनिमम डिविजन के लिए आई और ई e बराबर होते हैं ठीक है ठीके? लेकिन अब ये आई से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पर आई यूज़ किया आई प्लस सम डेल्टा ई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट सो so, हमें डेल्टा ई और डेल्टा एन को आपस में रिलेट करना है जितने भी चारों ऑप्शन दिए हुए हैं तो चारों ऑप्शन देख करके एक आइडिया हमको लग जाता है कि इसमें चारों ऑप्शन बिल्कुल आपस में आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है ठीक है अगर हम डेल्टा ई और डेल्टा एन का कोई रिलेशन निकाल लेते हैं तो उससे सारे आंसर किए जा सकते हैं ऐसा इन चार ऑप्शनस को देख करके लगता है ठीक है सो दैट विल सेव आवर टाइम तो यहाँ पर हमें बस कंसनट्रेट करना है कि डेल्टा ई और डेल्टा एन तो पहले तो हमें ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी जो फर्स्ट डेटा यहाँ पर दिया हुआ है मिनिमम डिविजन के लिए तो मिनिमम डिविजन के लिए जो डेटा गिवन है तो मिनिमम डिविजन कंडीशन होती है कि आर वन आर टू दोनों बराबर हो जाते हैं और ए बाई टू के इक्वल होते हैं दिस इज थर्टी डिग्री और उससे फिर आप यहाँ पर आई और ई e को बोल सकते हो कि बराबर होंगे फिर स्नेल्स लगा करके आई कैन फाइंड दिस आई ओके सो साइन आई यहाँ पर इसके बराबर आ जाएगा और यही साइन ई e होगा इनिशियली लेकिन जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है जब दोनों अलग अलग हैं यहाँ पर तो रेस तो यहाँ से अभी उसी तरीके से आएगी यहाँ पे उसको वही मीडियम मिलेगा एन तो ये उसी तरीके से जाएगी यहाँ पर और आर टू जो होगा वो थर्टी डिग्री होगा अभी भी ठीक है तो आर टू इज़ स्टिल थर्टी डिग्री सो अगेन मैं इसनेल्सू लगाता हूँ तो एन साइन आर टू दिस इज इक्वल टू साइन और साइन आर टू दिस आर टू इज थर्टी डिग्री तो थर्टी डिग्री इट विल बी एन बाई टू दिस इज साइन ई नाउ अब हमें यहाँ पे डेल्टाज को लाना है इसमें तो आई हैव टू टेक डिफरेंशियल ऑफ दिस इक्वेशन सो टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ़ दिस इक्वेशन सो दिस एन दिस विल बी डी एन डी एन बाई टू एंड साइन ई दिस विल बी कॉस ई डी ओके सो कॉस ई डी लाइक दैट सो वट विल हैपन सो डी एन सो डी एन को मैं यहाँ पर डेल्टा पुट कर सकता हूँ क्योंकि डेल्टा एन काफ़ी स्मॉल है, है तो डी एन आई कैन पुट डेल्टा एन सो फ्रॉम हियर आई कैन Uh, write the relation for delta e so delta e will be equal to this is now delta n, delta n by 2 and uh, this cos will go here and cos ई e, initially ई e और i equal थे तो वही वाला ई e है यहाँ पर initial वाला ई e है यहाँ पर ही ठीक है क्योंकि ई e में slightly difference आया है तो cos ई e, इसको cos i के बराबर ही लिख लिया हमने यहाँ पर तो बस अब यहाँ पे डेल्टा ई और डेल्टा एन तो कॉस आई कितना हो जाएगा तो साइन आई मुझे पता है कि थ्री बाई फोर है तो उससे मैं यहाँ पर कॉस आई निकाल सकता हूँ रूट सेवन बाई फोर तो इट इज़ क्लियर दैट डेल्टा ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस डेल्टा एन द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ डेल्टा एन तो डेल्टा ई ज़्यादा है डेल्टा एन से लेकिन यहाँ पे टू बाई रूट सेवन है रूट सेवन इज ग्रेटर देन टू तो दिस फैक्टर इज लेस देन वन तो डेल्टा ई e जो होगा वो डेल्टा एन से कम होगा ठीक है तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन ट्रू नहीं होगा डेल्टा इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन यस करेक्ट डेल्टा ई लाइज बिटवीन दिस टू वैल्यूज़ इफ़ डेल्टा एन इज़ इक्वल टू दिस सो जस्ट हमें डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ पुट कर लेनी होगी इसमें सो दैट इज जस्ट पू डेल्टा एंड डेल्टा इनपुट किया यहाँ पर इसमें तो डेल्टा ई की वैल्यू यह आ जाएगी जो कि इस रेंज में है ठीक है डी ऑप्शन इसका मतलब करेक्ट नहीं होगा डी ऑप्शन में इस रेंज में बोल रहे हैं यहाँ पर ये सो वी हैव टू ऑप्शन करेक्ट थीयर एंड डेट ऑप्शन आर बी एंड सी सो हाउ विल आई रेट दिस क्वेश्चन आई विल रेट दिस क्वेश्चन फॉर मॉडरेट टू टफ कैटेगरी इट इज़ नॉट वेरी टफ सो इट इज़ स्लाइटली ऑन द मॉडरेट साइड बट आई कैन सी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के लिए मैंने ईजियर से मॉडरेट की कैटेगरी में रखा उसको यहाँ पे मैं मॉडरेट से टफ की कैटेगरी में इसको रख सकता हूँ और एग्जाम कंडीशन में डेफिनेटली इट्स मोर टफर सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन द सिंपलेस्ट वन ऑफ दिस पेपर सो ये यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है और इसमें फिजिकल क्वांटिटी इस तरह से डिफाइन कर दी इन्होंने तो वैसे दिस इज़ अ पॉइंटिंग वैक्टर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम पढ़ते हैं सो दिस इज़ पॉइंटिंग बैक्टर लेकिन इसकी जरूरत नहीं है हमें नहीं पता है तब भी वी कैन डू इट डिस क्वेश्चन सो क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है वेरी इज इलेक्ट्रिक फील्ड बी इज मैग्नेटिक फील्ड म्यूनिट इज परमिटबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस सब कुछ गिवन इसमें तो द डायमेंशन ऑफ एस इनमें किसके साथ मैच करते हैं हमें अब ऐसे क्वेश्चन में हमें एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ता है तो अगेन अब एक एक ऑप्शन को जब चेक करना पड़ता है तो समटाइम्स दैट विल टेक टाइम ओके तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं तो क्रॉस है या नहीं उसे कोई मतलब नहीं मैंने सिंपली ई बी लिख दिया यहाँ पे क्योंकि साइन थीटा वगैरह जो भी आएगा उससे कोई डायमेंशनस होते नहीं है तो ई बी डिवाइडेड बाय दिस म्यू नॉट ई को मैंने वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया अब ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है इस क्वेश्चन को तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं तो मैंने इस तरीके को अडॉप्ट किया कि ई को मैंने वी बी लिख दिया ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिख दिया तो ई जो होता है ई होता है अगर मैं फोर्स देखूँ दोनों का तो क्यू ई फोर्स फोर्स को मैं इक्वेट कर रहा हूँ जस्ट यहाँ पे तो ई e को आई कैन राइट वी बी तो ई e को मैंने यहाँ पर वी बी लिखा है फिर उसके बाद में बी स्क्यर बाई नॉट हो जाएगा और मुझे पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला बी स्क्वायर बाई टू नॉट होता है तो टू का तो कोई डायमेंशन नहीं है वहाँ पर तो बी स्क्वायर बाई नॉट अब वो भली मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी लेकिन है एनर्जी ठीक है तो दिस इज एनर्जी ट वॉल्यूम एनर्जी अपॉन वॉल्यूम अब हमारे पास में जो ये टर्म आ गया इससे अब जस्ट हम जस्ट सब सभी को देख सकते हैं कि कैसे कैसे हमें रीअरेंज करना है तो जैसे अब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम तो मेरी नज़र अगर यहाँ पड़ती है तो एनर्जी अपन वॉल्यूम के सामने वेलॉसिटी भी है तो ऑब्वियसली जो सी ऑप्शन है उसको जस्ट हम तुरंत कट कर सकते हैं यहाँ पर और इसमें जितनी भी वलॉसिटी एनर्जी वॉल्यूम है इसमें कोई चार्ज करंट नहीं आने वाला इसमें ठीक है इसमें क्यू के टर्म्स करेंट के टर्म्स नहीं आएंगे तो करेंट क्यू बाई टी होता है चार्ज अपॉन टाइम और ये भी चार्ज तो चार्ज का स्क्वायरिंग वगैरह बन रहा है यहाँ पे तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए बाकी ऑप्शंस को हम यहाँ पर चेक करते हैं इसमें एक एक करके तो फोर्स लाना है मेरे को ऊपर यहाँ पे तो एनर्जी को आई कैन राइट सम फोर्स इन डिस्टेंस वेलोसिटी को आई कैन राइट सम लेंथ अपॉन टाइम और फिर उसका वॉल्यूम को आई कैन राइट दिस लेंथ क्यूब सो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी टू सी कि ये एफ अपॉन लेंथ इंटू टाइम हो जाएगा तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ही और उसका पावर मुझे यहाँ पर देखनी है इसमें तो अब देखिए एफ एल जो है वो एनर्जी है एनर्जी अपॉन टाइम ये हो जाएगी पावर और एल बाई एल क्यू भी हो जाएगा एरिया ठीक है तो पावर अपॉन एरिया भी आइए ठीक है तो जस्ट इस तरीके से एक एक करके हमें इसको मैच करा लेना होगा सो मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आई विल पुट इट इन ईजी कैटेगरी ओके देर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि मैं इसको ईजी कैटेगरी में रखूँगा इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फिजिक्स जिसमें जनरली हम जो क्यू वैल्यू की कैलकुलेशंस करते हैं किसी न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह के लिए तो उसी तरीके का सवाल है तो इसमें यहाँ पे दिया कि हैवी न्यूक्लियस सैन ए ट्रस्ट नेशन इट वॉज ए ट्रस्ट अंडर वोज फिशन लाइक दिस वेर पी एंड क्यू आर टू लाइटर न्यूक्लियर ओके लाइटर न्यूक्लियर एज कंपेयर टू दिस एन एंड दिस टर्म इज डिफाइंड विच इज द डिफरेंस ऑफ मासेज ऑन बोथ दिस साइड दिस इज Uh, mass of the reactant and this is mass of the products. So, mn minus mp minus mq where these are the masses like this. Ep and Eq are the kinetic energies of Pq. रिस्पेक्टिवली जो फाइनली जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं उनके कैनेडी की नजीज़ हैं यहाँ पर द स्पीड ऑफ पी एंड क्यू आर वी पी एंड वी क्यू रिस्पेक्टिवलीफ सी इज द स्पीड ऑफ लाइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट जनरली जो हम फिशन पढ़ते हैं यूरिएम नाइन्टी टू टू थर्टी फाइव का तो उसमें ये दो फ्रेगमेंट्स बनते हैं उसके साथ साथ नाइट्रो न्यूट्रॉन्स वगैरह भी बनते हैं तो कुछ कैनेडी की नजर वो भी लेके जाते हैं भले ही कम हिस्सा लेके जाते हैं लेकिन यहाँ पर क्योंकि उसके बारे में कुछ दिया नहीं है तो वी विल अब्यूम कि ठीक है यही दोनों सारी नजरें ले कर के जा रहे हैं यहाँ पर क्योंकि जस्ट वी हैव टू आंसर लाइक दैट बस इसमें इन्हीं दोनों में ही हमें एज्यूम करना पड़ेगा तो ठीक है तो पी और क्यू ही है सिर्फ यहाँ पर इसमें तो अगर पी और क्यों ही है और इनिशियल मोमेंटम वॉज ज़ीरो इनिशियली इट वॉज एट्रस्ट तो अगर ये इनिशियली रेस्पेथ ऑल मी मेक दिस एन ऑल्सो सो एन वॉज इनिशियली एट्रस्ट एंड वॉट हैपन्स दैट तो उसके बाद में फिर यहाँ पर ये पी और क्यू बनते हैं और पी और क्यू ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे सो डेट की मोमेंटम अभी भी ज़ीरो रहे यहाँ पर ठीक है एनर्जी कितनी रिलीज़ होगी तो जो भी मास का डिफरेंस है उसको आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो ठीक है तो दैट इज़ द एनर्जी रिलीज तो दिस इज़ दी ऑप्शन ये ऑप्शन यहाँ पर ट्रू हो जाएगा फिर यहाँ पर इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इट्स अ वेरी इजी ऑप्शन ईयर ओके कंजर्वेशन ऑफ लीजर मोमेंटम यहाँ पर वी कैन यूज़ और मोमेंटम को आप कैनेडी एनर्जी के टर्म्स में लिखते हो तो अंडर एम के लिख सकते हैं तो वही मैंने लिखा है अंडर एम के टाइप से यहाँ से आप इनका रेशो निकाल सकते हो और रेशो मास्क के इनवर्स रेशो में आ रहा है यानी कि जो एनर्जी निकल रही है वो मास के इनवर्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इसके अंदर फिर जो ई पी है यहाँ पर आप उसको लिख सकते हो मास का यूज़ करके के एम क्यू ऊपर आएगा यहाँ पर एम क्यू डिवाइड बाई दिस टोटल मास इन टू दिस टोटल एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड सो दिस इज़ योर ई पी और अगर मैं मोमेंटम को एम वी के टर्म्स में लिखता हूँ तो एम पी वी पी और एम क्यू वी क्यू वाइज बराबर होंगे और उससे आप वेलोसिटीज़ का रेशो निकाल सकते हो वी पी बाई वी क्यू यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया था उन्होंने बी ऑप्शन में ई और ऊपर एम लिखा हुआ है जो कि गलत हो जाएगा फिर यहाँ पर तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन सी ऑप्शन के साथ क्या है वी पी बाई वी क्यू इज़ इक्वल टू एम क्यू बाई एम पी येस इट इज़ करेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम मुझे पता करना है तो मोमेंटम अगर पता करना है मुझे यहाँ पे तो मोमेंटम किसी का मैं लिखता हूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ दोनों का मोमेंटम मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा यहाँ पे है ना तो मैग्नीट्यूड वाइज मोमेंटम्स आर इक्वल तो मैंने मोमेंटम लिखा और उसके बाद मैंने ई की वैल्यू रख दी इसके अंदर मैंने यहाँ पे ई लिखा हुआ भी है और आप देखो कि ये एम पी एम क्यू डिवाइड बाई दिस ये रिड्यूस्ड मास कहलाता है दिस इज म्यू सी स्क्वायर का सी बाहर आ जाएगा तो यस yes, दिख रहा है कि जो डी ऑप्शन है वो डी ऑप्शन भी यहाँ पे इसमें करेक्ट है ओके सो ए सी डी आर करेक्ट ऑप्शन सो हाउ आई हाउ टू रेड दिस क्वेश्चन सो दिस क्वेश्चन आई थिंक दिस इज अगेन ऑन द इजियर साइड ओके इट इज ईजी टू मॉडरेट आई कैन से एंड ईजी टू मॉडरेट बट मोर ऑन ईजी साइड आई थिंक बिकॉज इट इज़ वेरी क्लियर कट टाइप ऑफ सिचुएशन कुछ इसमें खास दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल ट्रेडिशनल टाइप की सिचुएशन है सो लेटस मूव टू दैक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मैग्नेटिज्म जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की थोड़ी कैलकुलेशंस करनी है ज़्यादातर कैलकुलेशंस भी नहीं करनी है बस केवल एनालिसिस आपको यहाँ पे इसका करना होगा ठीक है सो लेट अस सी हाउ टू एनालाइज दिस सिचुएशन सो एनालिसिस So let us first uh, study this question. Two concentric uh, circular loops. These are the two concentric circular. One of the radius r and other of radius 2r lies in the xy plane with the origin as their common center, as on the figure. The smaller loop carries current I1 like this and uh, in the anticlockwise direction, and the larger loop carries current I2 in the clockwise direction. And this is given. So this is important in this question. I2 is greater than 2I1. B vector Uh, xy denotes the magnetic field at uh, some random point xy in the xy plane. Which of the following statements are correct? So हमें statement देखने हैं तो पहला statement diya hua hai ki jo magnetic field hoga yahan par is plane ke andar is perpendicular to the plane at any point in the plane. तो अगर मैं कोई भी plane का point लेता हूँ तो वहाँ पे magnetic field perpendicular होगा. तो इसको आप easily देख सकते हो कि यहाँ पर <coughs> बाईस सौ तो का वी कैन यूज़ और बाईस औरतों कहते हैं कि डी वी इज इकोल्ड मीनोट आई एफ फोर पाई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यू तो सपोज अगर मैं प्लेन में कोई भी यहाँ पे ये यह पॉइंट ले लेता हूँ और छोटा सा कोई एलिमेंट यहाँ ले लेता हूँ तो वो एलिमेंट डी एल वैक्टर होता है और यहाँ पर ये आर वैक्टर तो डी एल वैक्टर ओबियसली डी एल वैक्टर विल बी इन दिस प्लेन और इस यहाँ से जो आर वेक्टर लिया वो भी इसी प्लेन में है तो डी एल क्रॉस आर जो भी आएगा प्लेन के परपेंडिकुलर ही आएगा तो छोटे छोड़ छोटे एलिमेंट्स लेकर के हम दिखा सकते हैं कि हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा हो रहा है तो ओवरऑल भी ऐसा ही होगा फिर तो ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा किसी भी पॉइंट पे ठीक है तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट फिर उसके बाद कहते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर इसका दैट डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई ओनली थ्रू द रेडियल डिस्टेंस आर रेडियल डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम फ्राम सेंटर तो अगर किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमको जैसे तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वो सिर्फ़ इस डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा आर पर यानी कहने का मतलब है कि अगर ये ठीटा है यहाँ से मैं ठीठा डिफाइन कर दूँ तो ठीठा पर डिपेंड नहीं करेगा अगर मैं उसी आर्ट डिस्टेंस पर अगर दूसरा पॉइंट ले लूँ ऑब्वियसली वो सर्किल पर लाई करेगा तो अगर आर्ट डिस्टेंस है तो यहाँ पर भी वाइज फील्ड उतना ही होगा अगर ये भी उतनी ही आर्ट डिस्टेंस हो तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होगा यहाँ पर ठीक है ये ऐसा कहना चाहते हैं और ऐसा होगा भी क्योंकि सिमेट्रिक है सिस्टम कम्प्लीटली यहाँ पर ठीक है अगर मैं यहाँ पर एक सर्कुलर लूप लेता हूँ और जितने भी पॉइंट्स हैं इस तरीके के जो सिर्फ आठ डिस्टेंस पर रेडियल आर डिस्टेंस पर है वो सारे पॉइंट एक जैसे हैं इस पॉइंट के पास में ऐसी कोई अलग ख़ास बात नहीं है जो कि इस पॉइंट के पास नहीं है ठीक है और इस पॉइंट के पास ऐसी कोई खास बात नहीं है जो कि इसके पास नहीं है इसके पास नहीं है ठीक है तो ये ऑल दिस पॉइंट्स आर आइडेंटिकल तो इन पे सभी पे मैग्नेटिक फील्ड बराबर ही आना है ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डिस्टेंस पे ही डिपेंड करेगा सेंटर से तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है बी ऑप्शन ठीक है तो बी ऑप्शन के लिए आई हैव रिटन दैट इट कैन बी डायरेक्टली सीन यूजिंग सिमेट्री तो जो सिमेट्रीज हैं उससे आप यहाँ पर डायरेक्टली बता सकते हो कि यस yes, अगर आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिए गए तो सभी आर डिस्टेंस वाले उन पॉइंट्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम आने वाला है इट विल डिपेंड ऑन दिस रेडियल डिस्टेंस ऑन दी अब यहाँ पर इनके बारे में बात की गई है कि मॉड बी एक्स वाई इज़ नॉन जीरो एट ऑल पॉइंट आर लेस दिन आर तो आर लेस दिन आर का जोन ये वाला है फिर उसके बाद एक और ऑप्शन है कि बी एक्स वाई पॉइंट्स नॉर्मली आउटवर्ड्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द एक्स आई प्लेन फॉर ऑल द पॉइंट बिटवीन द टू लुप्स सो बिटवीन द टू लुप्स तो पहले इसको मैं यहाँ पर देख लेता हूँ डी को तो डी ऑप्शन में जैसे यहाँ पर मैंने सबके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन दिखा रखे ब्लू करेंट उस ब्लू करेंट की वजह से यहाँ पर किधर होगा आउटवर्ट होगा यहाँ पर इनवर्ट होगा यहाँ पर इनवर्ट होगा ठीक है और इस रेड करंट इसके वजह से इसमें इसमें इन्वर्ट होगा क्योंकि ये सारे अंदर के पॉइंट हैं इस लूप के लिए और ये बाहर का पॉइंट है यहाँ पे आउटवर्ड्स होगा ठीक है तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बिटवीन द टू लूप्स तो बिटवीन द टू तो लूप्स तो दोनों के ही इन्वर्ड है यहाँ पर अगर दोनों का ही इन्वर्ड है तो फिर नेट भी इन्वर्ड ही होगा लेकिन उन्होंने आउटवर्ड का है तो डी ऑप्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है सी ऑप्शन को हमें यहाँ पर देखना होगा इसमें तो सी ऑप्शन में अब ये बीच का जोन यहाँ पर लिया है जो कि आर लेस देन आर वाला जोन है और इसमें कह रहे हैं कि नॉन जीरो होगा इसका मतलब कहीं पर भी यहाँ पर जीरो नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड तो अगर मैं सेंटर पे देखूँ तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ठीक है अगर एक बार मैं सेंटर पे यहाँ पे चेक कर लूँ क्योंकि दोनों अपोजिट आ रहे हैं तो सेंटर पे अगर मैं चेक कर लूँ यहाँ पे तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है यहाँ पे सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो मी नाट आई वन बाई एक टू तो, आर आ रही है यहाँ पर ये यह बी वन बोल देते हैं और जो बी टू आ रही है मी नाट आई टू डिवाइडेड बाई दिस फोर आर लेकिन आई टू जो है वो टू आई वन से ज़्यादा है आई टू इज़ ग्रेटर देन टू आई वन तो इसका मतलब बी टू जो होगा वो ज़्यादा होगा यानी कि जो रेड कलर वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा है रेड कलर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है और जो ब्लू कलर मैग्नेटिक फील्ड है वो कम है तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा सेंटर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा ठीक है अब मैं जस्ट इस लूप के आसपास अगर यहाँ पर रहता हूँ तो लूप के बिल्कुल बगल का पॉइंट अगर मैं यहाँ पर लूँगा तो इस बगल वाले पॉइंट पे ऑलमोस्ट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्फाइनट पहुँच जाएगा क्योंकि इस वायर के बिल्कुल पास में ये पॉइंट ले लिया गया है ठीक है तो उसके में जस्ट बगल का जो पॉइंट होगा वहाँ पर यह आउटवर्ड हो जाएगा और इधर की तरफ जाएंगे तो वो इनवर्ड हो जाएगा ठीक है तो इन पॉइंट्स के ऊपर अगर ये आउटवर्ड हो रहा है और यहाँ पर ये मैग्नेटिक फ़ील्ड अगर सेंटर पे मैं बता रहा हूँ कि इनवर्ड था तो यहाँ पर इनवर्ड है और यहाँ से जाते जाते ये आउटवर्ड हो गया तो इसका मतलब ज़रूर बीच में कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जीरो हुआ होगा क्योंकि तभी यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे रिवर्स हुआ है तो सेंटर पर इन्वर्ड आ रहा था नेट और यहाँ पर बिल्कुल इसके आसपास ये आउटवर्ड आ गया तो इसका मतलब है कि जरूर ये इस तरह की गड़बड़ इसमें हुई है कि बीच में कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुआ है लेकिन इनका कहना है कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉन जीरो फॉर ऑल दी पॉइंट्स फॉर आर लेस देन आर यानी कि अंदर के ये जो पॉइंट्स हैं हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो होगा लेकिन जीरो के पॉइंट्स यहाँ पर हमें मिलेंगे इसमें तो सी ऑप्शन भी यहाँ पर इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा तो इसमें कोई कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं जाना अगर हम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो इट विल बी वेरी लेंथी वी हैव टू अप्लाई कॉस रूल एंड इंटीग्रेशन एंड ऑल सो ऑब्वियसली यही ही नहीं चाहता कि हम उस तरीके से इसको एनालाइज करें वी हैव टू जस्ट सी लाइक दिस तो so, इस तरीके से वी कैन डू दिस सो लेट्स मूव फर्दर एंड फर्दर आर द करेक्ट ऑप्शन ए एंड बी एंड हाउ टू रेड दिस क्वेश्चन ऑब्वियसली आई विल रेड दिस फ्रॉम मॉडरेट टू टफ कैटेगरी इन एग्जाम सिचुएशन इट विल बी अ टफ़र वन बिकॉज आपको यहाँ पर देखने और कई बार एग्जाम सिचुएशन में ऐसा लगता है कि कैसे करें क्या कैलकुलेट करें यहाँ पर इसमें तो डेफिनेटली ऑप्शन आर वेरी गुड और इसमें जो ऑप्शन ईजी है जैसे जैसे ए ऑप्शन बहुत ही ईजी है तो अगर एग्जाम में हमें लगता है कि ठीक है ये ऑप्शन हमें समझ में आ गया बाकी समझ में नहीं आ रहे तो इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट ऑन ए सो जस्ट वी कैन टेक दिस एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड ओके सो क्योंकि पार्सल मार्किंग है तो वी विल गेट सम पार्सल मार्किंग ऑल्सो सो डोंट वरी सो यू कैन जस्ट टिक ए एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग ऑल दिज ऑप्शन सो नाउ लेट्स मूव फर्दर Again, this question. So, this is the question based on buoyancy and uh, thermodynamics. So, let us see what this question is saying. A soft plastic bottle filled with uh, water of density this much carries an inverted glass tube like this with some air, ideal gas, trapped as on the figure. The test tube has a mass of 5 gram. एंड इट इज़ मैड ऑफ ए थिक ग्लास ऑफ डेंसिटी टू पॉइंट फाइव सो यहाँ पर जो इतना ब्लैक करके दिखाया है इसका मतलब इसके थिकनेस को बताना चाह रहे हैं कि यस इट इज़ थिकट हैज़ मटेरियल विच हैज़ मास एंड डेंसिटी इज टू पॉइंट फाइव डेंसिटी हेवियर डेंसिटी है वाटर के कंपेरिजन में यहाँ पर इसमें ठीक है तो वाटर के कंपेरिजन में ज़्यादा हीवियर डेंसिटी है इसकी इनिशली द बॉटल इज सिल्ड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर दिस मच एंड सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप डेयर सर देर इज सम्रेप डेयर हियर वैन द बॉटल इज क्विज्ड फ्राम आउटसाइड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इन साइड राइजेज एंड वॉलीम द ट्रिप्ड एयर रिड्यूसिज तो मैंने ये दो डायग्राम बता रखे यहाँ पर इसमें इनिशियल दिखा रखे कि यहाँ पर ट्रिपड एयर थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पर और यहाँ पर ट्रिप्ड एयर कम है थोड़ा लिक्विड यहाँ पर इसमें आ गया है क्विज करने की वजह से सो ये वॉल्यूम यहाँ पर कम हो गया है सो इट इज़ फाउंड एट द टेस्ट टू बिगिन टू सिंक एट प्रेशर दिस मच विदाउट चेंजिंग इट्स ऑरिएशन ओरिएशन इज़ नॉट चेंज्ड एट दिस प्रेश वॉल्यूम द ट्रेप एयर इज दिस मच वी नॉट समेल्टा वी सो वी हैव टू फाइंड दिस डेल्टा वी एंड डेल्टा पी तो हो क्या रहा है यहाँ पर इसमें जब आप इसको स्क्वीज़ करते हो ठीक है सो so, स्क्वीज़ करने की वजह से यहाँ पर ये एयर कम हो जाती है एयर कम हो जाती है तो इससे यहाँ पर जो फंडा है वो यहाँ की जो बाइंसी फोर्स है वो वेट को बैलेंस करें ठीक है तो so, स्टार्टिंग में आप देखोगे कि जो बाइन्सी फोर्स है वो यहाँ पर ज़्यादा लग रही है क्योंकि डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ज़्यादा है यहाँ पर ठीक है तो एक तो ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है लिक्विड का और उसके साथ साथ इसका जो अपना खुद का जो मटेरियल वॉल्यूम है वो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है तो एक तो ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम और एक ये मटेरियल वॉल्यूम ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं इनिशियली लेकिन बाद में मटेरियल वॉल्यूम तो ऑब्वियसली वही है लेकिन डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कम हो गया जिसकी वजह से बाइन्सी कम हो जाएगा यानी कि अपवर्ड फोर्स कम हो जाएगा वेट उतना ही बैलेंस करना है अभी भी तो अपवर्ड फोर्स कम हो गया तो उस वजह से सिंकिंग की कंडीशन आनी स्टार्ट हो जाएगी तो कि सिंकिंग कंडीशन तब आएगी जब बाइंसी और वेट इक्वल हो जाए और स्टार्टिंग में जरूर बाइंसी ज़्यादा रहा होगा और आप ये देख सकते हैं बाइंसी ज़्यादा रहने की वजह से ये बिल्कुल इसको हिट कर रहा है ऑलमोस्ट और जब वो इसको हिट कर रहा है तो यहाँ से नॉर्मल वगैरह आ रहा है तब जाकर के बैलेंस हो पा रहा है क्योंकि अपफर्ड फोर्स ज़्यादा आ रहा है बाइंसी की वजह से तो ये हो रहा है यहाँ पर इसमें तो इनिशियली डिसप्लेसड वॉल्यूम यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कितना है ठीक है इनिशियली डिसप्लेसड वॉल्यूम इज़ वॉल्यूम टूब एंड वॉल्यूम ऑफ़ दिस स्ट्रेप्ड एयर वॉल्यूम ऑफ ट्यूब इज़ इट्स मास एंड इट्स डेंसिटी ओके और वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रैप्ड ये डायरेक्टली हमें गिवन है थ्री पॉइंट थ्री 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 पॉइंट थ्री सो इट इज़ टू एंड इट इज़ दिस मच सो इट विल फाइव पॉइंट थ्री सो बाइंसी फोर्स कितनी लग रही होगी यहाँ पर तो फाइव पॉइंट थ्री इज़ द डिस्प्लेसड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड और रिसअ कर रही है मैंने पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं लिखी है बस मैंने एक आईडी दे दी कि फाइव पॉइंट थ्री है यहाँ पर जी को आप चाहो तो वन ले लो डाइन में ये आ जाएगा आंसर इसका सो दिस मच इज़ द इनिशियल बाइंसी फोर्स वेट तो इसका वेट है फाइव तो बाकी का नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर लग रहा होगा उससे बैलेंस हो रहा होगा यहाँ पर ये यह, ठीक है अब जैसे जैसे अब यहाँ पर इसमें स्क्वीज कर रहे हैं तो स्क्वीज करने से बाइंसी फोर्स रिड्यूस हो रहा है बाइंसी फोर्स को मेरे को कहाँ तक रिड्यूस करवाना पड़ेगा सीधी सी बात है कि बाइंसी फोर्स पाँच के बराबर हो जाना चाहिए और बाइंसी फोर्स पाँच के बराबर हो जाना चाहिए इस वो तभी होगा जब यहाँ पर वॉल्यूम डिस्प्लेसड कम हो जाए तो ये वॉल्यूम तो उतना ही रहने वाला है ठीक है और ये वॉल्यूम इसका मतलब पॉइंट थ्री से कम हो जाना चाहिए जिससे कि ये पाँच हो जाए और पाँच हो जाए तो पाँच पाँच बैलेंस कर जाए जस्ट क्रिटिकल केस में तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि इट कैन बी इजिली सीन जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसड वॉल्यूम शुड बी फाइव सी सी एंड फॉर देट वी एयर शुड नाउ बिकम थ्री पॉइंट थ्री ठीक है थ्री पॉइंट थ्री से थ्री हो जाना चाहिए तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा जीरो पॉइंट थ्री और वही आपके यहाँ पर डेल्टा वी और एक्स के बराबर हो जाएगा प्रेशर में कितना चेंज वगैरह हुआ वो देखना है तो उसके लिए आप पी वी इज इक्वल टू कॉन्सटेंट ये इक्वेशन यूज़ कर लो क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो पी टेन पॉइंट फाइव वॉल्यूम इनिशियल इतना फिर बाद में प्रेशर इतना और वॉल्यूम इतना हो चुका है तो यहाँ से आप प्रेशर निकाल लोगे और दोनों का आप डिफरेंस बता दोगे इस तरीके से इस फॉर्मेट में बताना है टेन की पावर थ्री के फॉर्मेट में तो यही जो वैल्यू है वो वाई के बराबर है तो वाई यहाँ पर आपका टेन के इक्वल हो जाएगा सो हाउ टू रीड दिस क्वेश्चन सो डेफिनेटली आई विल रेट इट मोर ऑन द टफर साइड ओके सो इट इज़ मॉडरेट टू टफर बट मोर ऑन द टफर साइड एंड जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है तो स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है एग्जाम कंडीशन में वो इसे उतना समझ नहीं पाए और नहीं कर पाए बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको नहीं कर पाए अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स इसको अटैम्प्ट नहीं कर पाए सो ऑब्वियसली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि डायग्राम्स वगैरह देख के भी समटाइम्स स्टूडेंट को डर लग जाता है कि वट इज़ गोइंग टू हैपन इन दिस क्वेश्चन ओके और यह डाइग्राम Uh, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने पहले कभी ना देख रखा हो तो फेस वेल ऑफ द क्वेश्चन भी ये कहता है कि एक बार देख करके के इसको स्टूडेंट्स जरूर जल्दी से शायद ना करें इस क्वेश्चन को और नहीं भी किया है जहाँ तक फीडबैक मुझे मिला है सो इट इज़ ऑन टफर साइड ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इम्पल्सिव फोर्सेज एंड एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन लास्ट सो so, इस बार के पेपर में रोटेशन का वेटेज काफ़ी हाई है और काफ़ी एंगुलर मोमेंटम रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए सो so, कुछ क्वेश्चन पेपर वन पूछे गए सो इट इज़ इन पेपर टू सो so, इसमें कह रहे कि पैंडुलम कंसिस्ट ऑफ तो ए बॉब ऑफ मास तो दिस मच मासलेस इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ दिस इट इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एट हाइट टाइम जीरो पॉइंट नाइन अब अ फ्रिक्शनलेस ऑर्जेंटल फ्लोर लाइक दिस और एच क्योंकि जीरो पॉइंट नाइन तो इनिशियली स्ट्रिंग इज स्लैक तो स्लैक को दिखाने के लिए मैंने इसको इस तरीके से दिखाया है हॉर्जेंटल इम्पल्स इज एक्टिंग एंड ड्यू टू दिस हॉर्जेंटल इम्पल्स इसके पास एक वेलॉसिटी आ जाएगी और ये फ्लोर के अलॉन्ग चलने लगेगा स्टार्टिंग में ये कोई फोर्स लगा नहीं रहा है तो सीधे सीधे चलता चला जाएगा इस तरीके से आफ्टर द बोप स्लाइड्स फोर्स ऑन डिस्टेंस द स्ट्रिंग बिकम्स थॉट तो वो कह रहा है कि इसके और इसके बीच में जो स्ट्रिंग है ठीक है तो जैसे ही स्ट्रिंग जैसे ही यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर होगा और फिर उसके बाद अगर ये आगे जाने की कोशिश करेगा तो स्ट्रिंग यहाँ पर सडनली टाइट हो जाएगी और एक जर्क एग्जेट करेगी टेंशन के फॉर्म में इम्पल्सिव टेंशन सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम द पेंडुलम अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जस्ट बिफोर द बॉक लिफ्ट्स ऑफ सो जस्ट बिफोर इट लिफ्ट्स ऑफ तो इसी तरह की कंडीशन में है फिर तो ये है ना तो इसमें एंगुलर मोमेंटम अगर मेरे को लिखना है तो सिंपली एम वी एंड दिस इज़ आर दिस इज एच सो एम वी एच हो जाएगा जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है इसमें और एम वी वही कि इसका मोमेंटम P के बराबर जो हमने इम्पल्स इम्पार्ट किया था इस पर तो P 0.2 दिया हुआ है और यह जीरो पॉइंट दिया हुआ है तो दिस इज़ द एंगुलर मोमेंटम अबाउट सस्पेंशन पॉइंट सो इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट देर इज़ नो मच कैलकुलेशन आल्सो जैसे यहाँ पर आएगा तो क्या होगा कि ये टेंशन जो है ना वो टेंशन इसको किल कर देगा अभी सैंटीटा को क्योंकि तो ये जो बॉब है वो इसके अलांग मूव नहीं कर सकता इट कैनॉट मूव अलॉन्ग दिस क्योंकि तो इसके अलांग अगर मूव करते हैं वे अगर इस डायरेक्शन में आती है तो वो इसको अलॉन्गेट करेगा स्ट्रिंग को क्योंकि तो ये पॉइंट फिक्स है तो स्ट्रिंग के अलोंग जो ये एंड पॉइंट्स होते हैं उनकी वेलोसिटीज इक्वल होती है लेकिन यहाँ तो जीरो है तो इसको भी जीरो होना पड़ेगा और फिर ये स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर ऐसे मूव कर सकता है ठीक है वीक के कंपोनेंट्स हम कर लेंगे जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है उसको टेंशन विल किल और ये कंपोनेंट बचा रहेगा वी कॉस्टेटा तो वीक ऑस्ट्रेटा की वजह से जो काइटिक एनर्जी आएगी वो हाफ एम वीक ऑस्टिटा स्क्वायर हो जाएगी और वी मुझे निकालना है तो वी इस इम्पल से आया था तो उसको हम पी बाई एम कर लेंगे तो उससे वी आ जाएगा और ये सारी वैल्यूज़ अगर आप रखते हो तो जीरो पॉइंट वन सिक्स टू राउंड ऑफ कर दो इसको आप टू डेसिमल पॉइंट है तो जीरो पॉइंट वन सिक्स के बराबर ये के का आंसर हो जाएगा तो दिस इस क्वेश्चन इसको मैं रेट करूँगा ऑब्वियसली इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जनरली रहते हैं काफ़ी ठीक है तो लेट्स मूव फर्दर तो ये जो अगला क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम अल्टरनेटिंग करेंट एंड अगेन काफ़ी रूटीन टाइप का सवाल है इन एसी सर्किट अब मेटल फिलामेंट लैम्प इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर, और ये सब वैल्यूज दे रखी हैं ये सप्लाई कितनी की है द पावर कंज्यूम बाय द लैम्प इज 500 वॉट सो दिस लैम्प द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट इज दिस सो ऑल दिस आर आर एम एस वैल्यू एंड दिस पावर इज द एवरेज वैल्यू अज्यूम दैट देर इज़ नो इंडक्टिव लॉड इन द सर्किट सो हमें इंडक्टर नहीं एज्यूम करना है यहाँ पर दर टेक आर एम एस वेल ऑफ द वोल्टेज जो भी हमें वोल्टेज दिए गए हैं वो आर एम एस है द मैग्नीट्यूट ऑफ द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड दप्लाई वोल्टेज तो करंट और सप्लाई वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस है वो सब बताना है यहाँ पर तो उसमें बस केवल जो डेटा दिया है उस डेटा को हमें यूज़ कर लेना है तो जैसे मुझे पावर दे रखी है रेजिस्टेंस पर वोल्टेज दे रखा है तो मैं उससे करंट बता सकता हूँ कि रेजिस्टेंस में कितना करंट गुजर रहा है और जो रेजिस्टेंस पर करंट गुजर रहा है वही सर्किट का करंट हो जाएगा तो ये डिवाइड कर ले तो फाइव एम आ गया करंट को आप यहाँ पर लिख सकते हो इसमें टू हंड्रेड बाई जेड टू हंड्रेड इज़ द वोल्टेज और जेड सर्किट का इम्पडेंस हो जाएगा तो सर्किट का जो नेट इम्पडेंस है वो आ जाएगा और रेजिटेंस भी आप निकाल सकते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे आर इज इक्वल टू वोल्टेज अपन जो करंट यहाँ पर हमने निकाल लिया तो उसे रेजिस्टेंस आ जाएगा तो ये सारी वैल्यूज़ हम निकाल क्यों रहे हैं क्योंकि मुझे अब ये सब कैलकुलेशन करनी है इसमें सी की फाई की कैलकुलेशन करनी है तो सी की कैलकुलेशन के लिए आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर इंपेडेंस तो यहाँ से आप एक्सी इजली कैलकुलेट कर सकते हो और आपको ओमेगा पता है यहाँ से एंगल फ्रीकवेंसी तो सी विल बी कैलकुलेटेड और व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस तो फेस डिफरेंस डायरेक्टली ये तो याद ही होना चाहिए हमें इसमें कि टेन फाइव इज इक्वल टू एक्सी वाई होता है सो दिस इज़ दिस कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस तो इनको डिवाइड कर लेंगे इट विल गिव टेन फाइव इज रूट थ्री एंड फाइव विल बी इक्वल टू सिक्सटी डिग्री सो ऑब्वियसली देर इज़ नो डाउट दैट इट शुड बी इन ईजी कैटेगरी इट शुड बी इन ईजी कैटेगरी सो लेट्स मूव फर्दर सो so, ये पैराग्राफ है और पैराग्राफ इज़ बेस्ड ऑन सुपर कन्डक्टिंग लुप सो पहली बार आई थिंक जे ने सुपर कंडक्टिंग को दिया है पेपर में ठीक है तो एक शुरुआत जे ने कर दी यहाँ पर इसमें तो स्पेशल मेटल एस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी रेजिस्टेंस देर इज़ नो रजिस्टेंस क्लोज वायर लूप ऑफ एस डज नॉट अलाउ एनी चेंज इन फ्लक्स थ्रू इट तो ये जो कंसेप्ट है ऑलरेडी मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिए पहले भी जहाँ पे इस कंसेप्ट को डील किया है जे ने क्या किया है कि कम्प्लीटली जो भी रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन को करने के लिए सब कुछ लिख दिया है इसमें सो so, हमें अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा कुछ खास दिमाग इसमें लगाना नहीं है तो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि फ्लक्स विल रिमेन कांस्टेंट और उसको रखने के लिए वो करंट फ्लो कराएगा सेल्फ इंड्यूस्ड करंट होगा उसमें जो कि फ़्लक्स को चेंज होने से रोकेगा ठीक है ऑल दिस इज रिटन इन दिस और हो क्या रहा है कि यहाँ पर कोई मैग्नेट या डाइपोल आ रहा है इसके तरफ आ रहा है यहाँ पर इन्फिनी से तो जब इसके तरफ आता है तो इसका फ्लक्स यहाँ से गुजरने की कोशिश करता है और उसको फिर ये सेल्फ इंड्यूस्ड करेंट के थ्रू किल कर देता है जिससे कि फ्लक्स इनिशियली जीरो था जब ये यहाँ पे नहीं था और जब ये आने लग गया तो भी फ्लक्स कांस्टेंट रहना है नेट फ्लक्स तो नेट फ्लक्स जीरो रहेगा हमेशा से यहाँ पर तो फ्लक्स एक तो यहाँ पे इसके सेल्फ करंट की वजह से होगा और और वो क्यों आ रहा है क्योंकि डायपोल नज़दीक आ रहा है यहाँ पर डायपोल का फ्लक्स इससे पास हो रहा है तो डायपोल क्योंकि बहुत दूर है यहाँ से तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरे एरिया पर आप यूनिफॉर्म ले सकते हो यहाँ पर तो मैनेटिक फिर पूरे एरिया को यूनिफॉर्म लेकर के उसको से मल्टीप्लाई कर लिया तो इट विल गिव दी फ्लक्स द टू डाइपोल और सेल्फ जो होगा वो सेल्फ इंडक्टेंस कॉपिशंट एल मल्टीप्लाइड बाई आई तो यहाँ पे एल वगैरह तो इसके जोमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है तो कॉन्सेंट रहेगा जो करंट इंड्यूस हो रहा है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू एम बाई आर क्यों बस हमसे प्रोपोशनैलिटी पूछी गई है इन क्वेश्चन में कोई एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं पूछे गए तो फटाफट हम यहाँ पर इस तरह से इसको कर सकते हैं ये ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर थर्टीन क्वेश्चन फिर उसके बाद जो अगला सवाल है उसमें कितना वर्क कर रहे हैं यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंट इसको इन्फिनिटी से इस आर तक लाने में तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आर तक ही आया है और आर बहुत बड़ा डिस्टेंस है तभी हम यहाँ पर ये जो फॉर्मुलेज फोर्स के उन्होंने दे रखे हैं तो तो दोनों डायपोल्स के बीच में फार्मूलेज लग सकते हैं ये फॉर्मूलेज तभी लगते हैं जब डिस्टेंसेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं दोनों के बीच में तो ऑबियसली कि इसको स्लो ही अगर इधर मूव कराया जा रहा है तो रिपल्सिव फोर्स जो यहाँ पर मैग्नेट की वजह से लग रहा है उसको बैलेंस करके लाया जा रहा होगा एफ एक्सटर्नल तो ऐप एक्सटर्नल इज डूइंग सम पॉजिटिव वर्क इन ब्रिंगिंग दिस डायपोल टुवर्ड्स दिस लूप और बस हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी देखनी तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसके अंदर तो फोर्स का जो एक्सप्रेशन है के एम वन एम टू बाई आर फोर जो दिया गया है क्वेश्चन के अंदर तो के एम वन में इसको ज्यूम कर रहा हूँ तो इसका करेंट इन टू इसका एरिया तो ये हो जाएगा एम वन और एम टू तो एम के बराबर है डिवाइड बाई दिस आर फोर और फिर उसके बाद में क्या करना है इसके बाद में जो करंट ऊपर आया था वो भी एम और आर पे डिपेंडेंट है इस तरीके से तो वो यहाँ पे रख दिया मैंने इसमें उसके बाद में एफ डॉट डी आर करके डिग्रेड कर दिया इंथनेटी से लेकर के आर तो आर सेवन की वजह से यहाँ पे आर सिक्स आ जाएगा एम स्क्वायर यहाँ पर है तो ये एम स्क्वायर बाय आर सिक्स सो दिस सी ऑप्शन इज़ करेक्ट हियर नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन थर्मोडाइनमिक्स और सॉरी

तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन अ थर्मल इंसुलेटिंग सिलेंडर हैज़ ए थर्मली इंसुलेटिंग एंड फ्रिक्शन लेस मूवेबल पार्टीशन तो सब कुछ थर्मल इंसुलेटिंग है यहाँ पर इसमें एज सोन इन दिस फिगर वो ऑन इच साइड ऑफ द पार्टीशन देर इज़ वन मोल ऑफ तो ठीक है एक एक मोल यहाँ पर गैस है उसका सी वी टू आर है ये गिवन है और हीट यहाँ से दे रहे हैं और उसके लिए उसके वैसे ये जो पार्टीशन है लेट पार्टीशन मूव्स और वो कहाँ पर जाके रुकता है नॉट बाई टू तो नॉट बाई टू तक जाता है वो तो ये वॉल्यूम इधर का वॉल्यूम वी नोट बाई टू हो जाएगा इधर का वॉल्यूम थ्री वी नोट बाई टू हो जाएगा जैसे मैंने डायग्राम में दिखा रखा है फाइनली इधर के टेम्परेचर को टी एल बोला जा रहा है इधर के टेम्परेचर को टी आर बोला जा रहा है और ये सब हमें कैलकुलेशन करनी है फिफ्टीन सिक्सटी में तो कैलकुलेशन क्या करनी है टी आर बाई टी नॉट तो ऑब्वियस हमें टी आर निकालना पड़ेगा और यहाँ पर हीट निकालनी पड़ेगी कि कितनी हीट इस हीटर से आ रही है यहाँ पर सिस्टम को मिल रही है तो इधर का जो प्रोसेस है ऑब्वियस है कि कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुआ है इस गैस में तो एडिबेटिक प्रोसेस होगा इसमें एडिबेटिक प्रोसेस है तो प्रोसेस इक्वेशन वी कैन यूज़ उसके लिए हमको गामा की जरूरत पड़ेगी गामा कहाँ से आएगा तो सी वी इज इक्वल टू आर फोन गामा इन वन तो फ्रॉम देयर गामा इज इक्वल थ्री बाई टू सो वी कैन पुट दिस फॉर इनिशियल एंड फाइनल तो इनिशियली इट इज़ टी नॉट एंड वी नॉट फाइनली टी आर वी नॉट बाई टू सो इजली वी कैन फाइंड दिस टी आर इज इक्वल टू टू टी नॉट एंड जो रेशियो है वो रेशो रुट्टू आ जाएगा सो so फिफ्टीन का जो ऑप्शन ए है डेट विल बी करेक्ट फिर उसके बाद में आप देखो यहाँ पर इसमें अब अगला जो पार्ट करना है यहाँ पर आपको हीट निकालनी है तो पूरे सिस्टम पे आप यहाँ पर फर्स्ट और तो थर्ड डायनमिक्स यूज़ कर लो कि यूजिकल डेल्टा या प्लस डब्ल्यू और पूरे सिस्टम को जब मैं ले रहा हूँ तो ऑब्वियस एक कि इन बाउंड्रीज़ में कोई कंप्रेशन लॉन्गेशन कुछ नहीं हो रहा किसी तरीके का चेंज वॉल्यूम वगैरह तो वर्क डन विल बी जीरो या फिर आप ये भी देखो कि वैसे भी आप देख सकते हो कि प्रेशर दोनों साइड के हम बराबर होंगे स्लोली इट इज़ मूविंग सो दोनों साइड के प्रेशर बराबर होंगे तो एक साइड में अगर पॉजिटिव वर्क होगा तो एक साइड में नेगेटिव वर्क होगा गैस के ऊपर तो या गैस का वर्क जो भी आप कह लो उसको तो डब्ल्यू तो विल बी जीरो हीयर तो जो भी हीट दी जा रही है एक तरीके से वो पट इस इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के काम में आ रही है और आप हीट डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते ठीक है जैसे इसमें तो हीट जीरो ही है तो और इसमें कोई ऐसा प्रोसेस नहीं हो रहा स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं हो रहा आप कोई भी स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं बोल सकते कि लेफ़्ट में हो रहा तो है ना तो टेम्परेचर इक्वल हो रहा है ना टेम्परेचर कांस्टेंट है ना वॉल्यूम कांस्टेंट है ना प्रेशर कांस्टेंट है ना हीट एक्सचेंज जीरो है तो कोई भी तरीके का स्टैंडर्ड प्रोसेस यहाँ पर नहीं है तो वी कैन नॉट डायरेक्टली कैलकुलेट हीट सो इन डायरेक्ट वे ऑफ कैलकुलेशन ऑफ हीट इज़ कि आप यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर लो इसके लिए डेल्टा यू कैलकुलेट कर लो पूरे सिस्टम का तो डेल्टा यू ऑफ डेल्टा यू फॉर लेफ्ट डेल्टा यू फॉर राइट और डेल्टा यू डिपेंड करता है टेम्परेचर में चेंज पर डिपेंड करता है डेल्टा यू तो आपको टेम्परेचर में चेंज निकालना पड़ेगा तो राइट का टेम्परेचर आपने ऑलरेडी निकाल रखा है आपको लेफ्ट का टेम्परेचर निकालना पड़ेगा ठीक है तो लेफ्ट का टेम्परेचर नि... कैसे निकाला जाए ठीक है लेफ्ट का टेम्परेचर कैसे निकाला जाए तो लेफ्ट का टेम्परेचर आपको चाहिए तो आपके पास में क्या है यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन है ठीक है यू हैव इंफॉर्मेशन हीयर तो आपके पास में यहाँ का फाइनल टेम्परेचर है फाइनल वॉल्यूम है तो फाइनल प्रेशर भी यहाँ का आ जाएगा और जो प्रेशर यहाँ का है मुझे पता है कि वही प्रेशर इधर का भी है तो अगर आपको यहाँ का प्रेशर पता है और यहाँ का फाइनल वॉल्यूम तो पता ही है तो उससे आप फाइनल टेम्परेचर यहाँ का निकाल सकते हो फिर उसके बाद आप यहाँ पर एन सी डेल्टा टी यूज़ करके यहाँ का डेल्टा यू निकाल सकते हो तो वही चीज़ यहाँ पर की गई है इसमें कि राइट का प्रेशर उससे लेफ़्ट का प्रेशर और लेफ्ट के प्रेशर के लिए इससे यहाँ पर टी निकाला जाएगा तो पहले मैंने क्या किया कि, कि राइट में यहाँ पर पी वी बाई इक्वल टू कॉन्सेंट इसका यूज़ किया तो उससे मुझे लेफ़्ट ये प्रेशर मिल गया टू टू पी नॉट पी नॉट वॉज इनिशियल प्रेशर लेट से और उसके बाद लेफ्ट में फिर वापस मैंने ये क्वेश्चन लगाई और फिर फाइनली प्रेशर इतना हो गया फाइनली वॉल्यूम इतना हो गया फाइनली टेम्परेचर इतना हो गया इससे मैंने यहाँ पर ये लेफ्ट का फाइनल टेम्परेचर निकाल लिया फाइनल टेम्परेचर यहाँ पर इतना होगा लेफ्ट का बस उसके बाद में डेल्टा यू सी वे डेल्टा टी ए सी वे डेल्टा टी कर लिया यहाँ पर इसमें और उससे ये फाइनली डेल्टा यू कैलकुलेट हो गया एंड दिस इज़ ऑल्सो द हीट एक्सचेंस्ड तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया इसमें ऑप्शन बी जो दूसरा सवाल इसका ऑप्शन बी करेक्ट है तो रेटिंग क्या है इसकी तो रेटिंग ऑब्वियसली मैं इसको टफ कैटेगरी में ही रखूँगा कंसिडरिंग कि एग्जाम सिचुएशन में वी आर डूइंग दिस क्वेश्चंस ओके लिटिल बिट कैलकुलेशंस आर इन्वॉल्व ओके सो वी कैन पुट दिस इन टफ कैटेगरी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में यह कहते हैं कि इन ऑर्डर टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस आर ओन ऑफ सेल ऑफ एम एफ ई एंड मीटर ब्रिज ऑफ विद रेजिस्टेंस आर नॉट फिफ्टी ओम एंड रेजिस्टेंस दिस मच सब कुछ यहाँ पे गिवन है और नल पॉइंट यहाँ पर ऑप्टेन होता है इसमें इतने डिस्टेंस पे नल पॉइंट का मतलब है कि इस गैलोमीटर के थ्रू कोई करंट पास नहीं हो रही है तो बताएं कि आर वन कितना होगा यहाँ पर तो अब इसको आप किसी जो आपने पढ़ा है उसे मैच करने की कोशिश ना करो पहली बात तो क्योंकि स्टूडेंट्स के होते हैं वो देखते हैं कि यह तो कुछ मैच ही नहीं हो रहा बहुत इस तरीके का सर्किट जनरली हम मीटर ब्रिज के लिए नहीं देखते हैं ठीक है तो इस तरीके से कई बार स्टूडेंट्स इस चक्कर में छोड़ देते हैं इन क्वेश्चन को आप इसको सिंपल बस अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रखी है उसको देखो आप सिर्फ ठीक है उसको अप्लाई करने की कोशिश करो जो भी आपने पढ़ा है ठीक है तो किस तरीके से उसका अप्लीकेशन हम कर सकते हैं इसमें तो पहले आप इक्टन डायग्राम बनाओ इसका पहले ठीक है सारे या तो इसी पर मार्क कर लो या फिर एक एकवलन डायग्राम इस तरीके से आप क्रिएट कर लो तो ये 72 सेंटीमीटर है पूरी लेंथ यहाँ पर इसमें 100 सेंटीमीटर तो पूरे 100 सेंटीमीटर का है जो रेजिस्टेंस है फिफ्टी ओम मैं इसका तो 72 टू यहाँ से यहाँ तक कितना रेजिस्टेंस हो गया 36 सिक्स तो थर्टी सिक्स और बाकी का फोर्टी नहीं हो गया क्योंकि टोटल फिफ्टी होना चाहिए ठीक है तो मैंने सब कुछ यहाँ पर मार्क कर लिया और इसमें कोई करंट नहीं है तो अगर इसमें कोई करंट नहीं है तो एक सिंगल लुप सर्किट की तरह ऐसे करंट आई करंट फ्लो हो रहा होगा यहाँ पर इसमें तो मैंने सॉल्व करने के लिए क्या किया मेरे को आर्मी चाहिए यहाँ पर तो मैंने आई कैलकुलेट कर लिया पहले एक बार पूरे लूप में इक्वेशन लगा करके आई लिख लिया उसके बाद में मैंने सिर्फ इस लूप को लिया यहाँ पे और इस लूप में इस इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं आएगा यहाँ पर जब इक्वेशन आप लिखो क्योंकि करंट पास नहीं हो रही है यहाँ से तो सिंपल ये इक्वेशन आ जाएगी 39 कैसे आ रहा है तो 25 फाइव प्लस फोर्टीन थर्टी बन रहा है यहाँ पर ये यह। दोनों आई को मैंने इक्वेट कर लिया और आई को इक्वेट करने से ये भी हुआ कि ई कैंसिल हो गया और साफ साफ दिख रहा है कि सेवेंटी फाइव प्लस आर वन इज़ इक्वल टू सेवेंटी एट तो आर वन यहाँ पर थ्री होना चाहिए तो आर वन की जो वैल्यू होगी वो थ्री हो जाएगी तो रेटिंग इसकी तो रेटिंग इजी से मॉडरेट कैटेगरी में आई कैन पुट दिस कुछ के लिए हो सकता है कि डायग्राम देख करके हो सकता है कुछ लोगों ने इसको छोड़ दिया हो तो लेकिन मुझे लगता है कि इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में होना चाहिए इसको नेक्स्ट नेक्स्ट इज़ वेरी रूटीन टाइप ऑफ क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन है जे मेन के भी बहुत सारे सेशन्स में अपेयर हो चुका है और बहुत फ्रिक्वेंटली अपेयर हो रहा है ये बाइनरी स्टार सिस्टम इट्स लाइक ए फेवरेट ऑफ जी मेन एंड एडवांस एज वेल एडवांस में पहले भी बाइनरी स्टार सिस्टम आ चुके हैं तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत रूटीन टाइप का है और बहुतों तो से ये हो जाना चाहिए बहुत आसानी से ठीक है मैं इसे ईजी टू मोटी मॉडरेट कैटेगरी में डायरेक्टली रख देता हूँ ठीक है तो वही दो स्टार्स हैं उनके बीच में कुछ डिस्टेंस और ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के बाउट वो रोटेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इसके बेसिक्स को यहाँ बता दिया अदरवाइज वीडियोस भी हैं मेरे जहाँ पर उसमें मैंने डिटेल में इन सबको किया हुआ है और जे के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको भी किया हुआ है तो पहले आप यहाँ पैनल एम लगा लो यहाँ पर एम वन ये इनका कॉमन सेंटर ऑफ मास है इस कॉमन सेंटर ऑफ मास के बाउट इट इज़ रोटेटिंग लाइक दिस एंड इट इज़ रोटेटिंग लाइक दिस दोनों सेम सेंस में रोटेट करते हैं ये क्लॉक और ये भी क्लॉक रोटेट करेगा क्यों ऐसा होगा क्योंकि अगर ये यहाँ पहुँच गया तो उस टाइम पे उसको यहाँ पर होना चाहिए जिससे कि सेंटर ऑफ मास वहीं पर है ठीक है अगर ये उल्टा रोटेट करता है तो ये तो यहाँ पहुँच जाएगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं हो जाना चाहिए तो ऐसा तो नहीं होगा तो दोनों सेम ओमेगा से रोटेट करेंगे क्योंकि तो जिस अगर ये यहाँ पहुँच गया तो एग्जैक्टली उसी लाइन पर इसको भी होना है तो ये भी अपने एंगल से रोटेट किया होगा तो इसके लिए मैं अगर इक्वेशन लिखूँ एम वन के लिए तो एक तो जो इनके बीच में अट्रैक्शन है वो प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे नेसेसरी सेंटरबिटल फोर्स और रेडियस क्या हो जाएगी आर्वन आर्वन रेडियस में घूम रही है आर्वन तो आर्वन सेंटर ऑफ मास मास्क डिस्टेंस है एम वन से तो वो इसके बराबर होती है ये डायरेक्टली हमें लिखना आना चाहिए तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड ओमेगा वैल्यूज वी कैन पुट ओमेगा की वैल्यू ओमेगा से आप ये टी निकाल सकते हो टू पाई बाई ओमेगा अर्थ के लिए से बताया इन्होंने कि अर्थ से कम्पेरिजन करवा रहे हैं तो अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो टू पाई आर बाई वी है सन के अराउंड और वी ऑर्बिटल वेलोसिटी विस इज़ अंडरवुड जी एम बाई आर तो उसको मैंने यहाँ रख दिया और कंपेयर किया तो देखा कि जो टी स्टार है यहाँ पर स्टार के लिए जो टी आया है वो नाइन टाइम्स टी फॉर अर्थ आया है यहाँ पर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो एन का आंसर है वो नाइन हो जाएगा यहाँ पर सो नेक्स्ट क्वेश्चन सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर एंड अगेन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन आई कैन पुट दिस इन ईजी कैटेगरी बस इसमें यह है कि डेटा को आपको सही तरीके से लिखना चाहिए ठीक है अब जैसे मैंने यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इस तरह से टेबुलेट कर लिया है ठीक है तो एग्ज़ाम में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप डेटाज़ को सही तरीके से करो तो पी क्यू आर तीन चीज़ें हैं तीनों के डेटाज़ में यहाँ पर लिख रहा हूँ यहाँ पर इसे इसका वर्क फंक्शन दिया गया है दोनों इन दोनों का जो इन दोनों पे जो इंसिडेंट एनर्जी है वो बराबर है इसमें इंसिडेंट एनर्जी अलग है और मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पर तो यू माइनस फोर इतनी हो जाएगी इसकी इतनी हो जाएगी और मुझे रिलेशन दिया गया है इनके मैक्सिमम मैक्सम एनर्जी का इसीलिए मैंने मैक्म कारणिक एनर्जी को लिखा है यहाँ पर तो एक बार यहाँ पर मैक्मम कारण्टिंग एनर्जी पी और और ये टू ई क्यू इनको बराबर कर दिया मैंने तो ई पी इज़ इक्वल टू टू ई क्यू इन दोनों को उठाया और यहाँ पहुँचा दिया इस इक्वेशन के अंदर इससे यू फाइव आ गया लेकिन मुझे यूडेस निकालना है इसके अंदर कि आर पे जो एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है तो उसके लिए मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो ये टू टू हट गया यहाँ पर तो ई क्यू बराबर ई ER आर हो जाएगा और ई क्यू और ई आर क्यूर रख दी और यू मैंने ऑलरेडी यहाँ से कैलकुलेट किया हुआ है तो यूडेस यहाँ से कैलकुलेट कर लिया गया यू डेस इज इक्वल टू सिक्स तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन